केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक चाणक्य कहे जाने पर कहा कि मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ लोग कहते हैं लेकिन मैं नहीं मानता। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी तीसरे बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह से सवाल किया गया कि लोग आपको राजनीतिक चाणक्य कहते हैं, ऐसे में चाणक्य तो प्लान बना कर चलते हैं, तो ऐसे में आपका क्या पालन है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं चाणक्य नहीं हूँ, प्लान भी तब बनाना पड़ता है जब 100% से कम संभावना हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि 100% नरेंद्र मोदी जीतेंगे, हमें बहुमत मिलेगा, लोग चाहते हैं कि देश विकसित भारत बने। अमित शाह से सवाल किया गया कि BJP के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी संभावना नहीं देखता, PM मोदी के साथ 60 करोड़ लाभार्थी की फौज खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायबरेली से संसद नहीं PM चुनने के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का इससे दिल टूट गया है। UP के बाराबंकी में PM मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, इनके सपनों की इंतहा देखिए कि कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे के दिल ही टूट गया, बस आंसू नहीं निकले लेकिन दिल के सारे अरमान बह गए हैं। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी BJP के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, लेकिन गठबंधन इंडिया ने PM फेस किसी को घोषित नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। PM ने कहा, आज एक तरफ देश हित के लिए समर्पित बसपा NDA गठबंधन है और दूसरी तरफ देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए इंडिया गठबंधन मैदान में है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ए इंडिया वाले ताशा के पत्तों की तरह बिखरने शुरू हो गए हैं। PM ना कहा कि यहाँ सपा के बड़े नेता ने रामनवमी के दिन कहा कि राम मंदिर तो बेकार है, वही कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयार कर रही है। इनके लिए सिर्फ अपना परिवार और पावर ही मायने रखते हैं। सपा कांग्रेस वाले अगर सरकार में आए तो रामलला का फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं इनकी पोल खोलता हूँ तो ये बेचैन हो जाते हैं, इनकी नींद हराम हो जाती है, ये कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं। ANI के साथ एक विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में PM मोदी के कार्यकाल के बारे में विपक्ष के दावे को खारिज कर दिया है। ANI से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि PM मोदी 2024 और 2029 के देश के प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने कहा, आरक्षण खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता, हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, आरक्षण के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आरक्षण की जो प्रक्रिया अब तक चली आ रही है वो जारी रहेगी और PM मोदी भी यही कहते रहे हैं। विपक्ष वोट हासिल करने के लिए देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय राजनीति में विश्वसनीयता के संकट को जन्म देने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी जिम्मेदार हैं। BJP का वरिष्ठ नेता होने के नाते मेरा दावा है कि वह प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 और 2029, राजनाथ सिंह ने कहा है। पहले से अधिक मेजॉरिटी के साथ इस बार BJP लेड NDA की गवर्नमेंट यहाँ पर बनने जा रही है। रिजर्वेशन समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। ये सारी विपक्षी पार्टियाँ देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं और जितनी भी सर्वेक्षण एजेंसियाँ हैं इस बात का दावा कर रही हैं कि इस बार भी पहले से अधिक मेजॉरिटी के साथ इस बार BJP लेड NDA की गवर्नमेंट यहाँ पर बनने जा रही है। 400 का संकल्प जो हम लोगों ने निर्धारित किया है BJP नेतृत्व की NDA का, उस 400 के लक्ष्य प्राप्त करने की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर, उन्होंने उसी वार्ता में एक बात और बोली कि अगर भाजपा कल को वापस आती है सरकार में तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा और जो इलेक्शन का प्रोसेस ये भी खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता।
17 मई को यानी आज अंजलि नाम की एक लड़की की हुबली में उसके घर पर विश्वा ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हुबली दरबार पुलिस आयुक्त रेणुका सुकुमार में अनुसार विश्वा को भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। रेणुका सुकुमार ने एएनए को यह भी बताया कि आरोपी के चेहरे पर गंभीर चोटें हैं और वह घायल है। आगे की जांच के लिए हिरासत में लिया जाने से पहले उसका इलाज किया जा रहा था। उसके चेहरे और सिर पर गंभीर चोट है जिसके लिए उसे इलाज की जरूरत है। इलाज के बाद हम उसे आगे की जांच के लिए हिरासत में लेंगे। वह बेंगलुरु से गोवा जा रहा था और वहां से वह मुंबई जाना चाहता था। उसका कहना है कि लड़की ने उसे रोकना शुरू कर दिया है और इससे वह नाराज हो गया है, लेकिन यह उसका संस्करण है जिसे जांचने की जरूरत है, रेणुका सुकुमार ने कहा है। Of railway police yesterday on information that the accused is in Davanagere in the hospital, our team of officers immediately reached the spot. On identifying the accused, we have secured the accused, but he has injury, severe face and head injury for which he needs treatment, so he has been shifted to hospital here in KIMS for further treatment. Then after the treatment, we will take him into custody, police custody, and further investigation will be continued. How did he escape from the... Right now, as per his version, he has reached the Gokul Road Gokul Road bus station. From there, first he boards bus towards Davanagere, then alights, again takes another bus. So totally his intention has been to throw police off scent. And he was not carrying any mobile or any this one with him. So it is sheer human intelligence. So we have secured the accused. He was on his way. एक बड़े कदम में आपकी राज्यसभा सांसद और पूर्व DCW अध्यक्ष स्वामी मलिवाल ने कथित हमले के मामले में पुलिस शिकायत के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। दिल्ली पुलिस से शिकायत करने के बाद स्वामी मलिवाल ने एक्स पर एक पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी से इस घटना का राजनीतिकरण न करने का अनुरोध किया। घटना को बहुत खराब बताते हुए मलिवाल ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस को अपना बयान दिया है। पुलिस ने कथित हमले के संबंध में गुरुवार शाम को एक प्राथमिकी दर्ज की जिसमें दिल्ली के सीएम के निजी सहायक विभव कुमार को नामित किया गया है। सिविल लाइंस पुलिस ने आईपीसी की अन्य धाराओं के अलावा धारा 354, फाइन आउट 6, फाइन आउट 9 और 323 के तहत मामला दर्ज किया जिससे किसी महिला पर उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग, आपराधिक धमकी, शब्द संकेत या इरादे के कृत्य शामिल है। अपमान और हमला मलिवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उन्हें थप्पड़ मारा, पेट पर मारा और लात मारी है। मतदान के अखंड जल्दी जारी करने की मांग वाली याचिका वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। इसको लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग की वकील से कहा कि वह याचिका पर पक्ष रखे। कोर्ट में आज के लिए सूचीबद्ध दूसरे मामलों की सुनवाई के बाद यह मामला सुना जाएगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका में चुनाव आयोग को मतदान के अखंडे 48 घंटे के भीतर जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर 7 चरण में से 4 चरण हो चुके हैं। वही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि मतदान के अखंडे देर से जारी हो रहे हैं। ऐसे में मन में शक पैदा होता है।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने 17 मई को गृहमंत्री अमित शाह की आलोचना की और दावा किया कि उन्होंने 10 वर्षों में देश के हित में कुछ नहीं किया। आपने संविधान बदलने की तैयारी शुरू कर दी है, आप अपने हितों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 10 साल में अपने देश हित में कुछ नहीं किया। आपने यह सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया कि अदानी जैसे कुछ उद्योगपति वहां प्रमुख स्थानों पर जमीन खरीद सके। आपने देशों के लिए ऐसा नहीं किया, संजय राउत ने कहा। गौरतलब है कि गृहमंत्री अमित शाह ने 17 मई को यानी आज कहा था कि बीजेपी को पिछले एक दशक से संविधान में बदलाव करने का जनादेश मिला था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया है। आपने संविधान बदलने की तैयारी शुरू की है, आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हो। आप देश हित के लिए 10 साल में कुछ नहीं किया है। 370 भी हटाने की बात की है, वो कुछ उद्योगपति अडानी जैसे उनको वहाँ की प्राइम लोकेशन जमीनें वो खरीद सके, इसलिए आपने 370 निकाला है, देश के लिए नहीं निकाला है। कोविशील्ड वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट्स की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि इसे लेकर एक और डराने वाली खबर आ रही है। एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड में एक नया खतरनाक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर पाया गया है। एक रिसर्च में इसका खुलासा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स यूनिवर्सिटी कुछ अन्य इंटरनेशनल रिसर्चर ने अपनी लेटेस्ट रिसर्च में इसे लेकर दावा किया है। बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से बनाई गई ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनिका की कोविड-19 वैक्सीन में हाल ही में इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस का खतरा पाया गया। इस गंभीर बीमारी से खून का थक्का जम जाता है। अपनी वैक्सीन ने साइड इम्पैक्ट्स पर उठे सवालों के बाद कंपनी ने दुनिया भर से अपनी वैक्सीन वापस मांगने का फैसला लिया था। बसपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने 17 मई को यानी आज दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मलिवाल मारपीट मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता चुड़िया लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगते दिखे। मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर एक राज्यसभा की